आज की ताजा खबर राणा जेल से रिहा हो रहा है। आज की ताजा खबर सारथी जेल से रिहा हो रहा है। इलेक्शन में किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी किसी को कुछ नहीं पता। आज राणा जेल से रिहा हो रहा है। अरे ड्राइवर जी, ये राणा कौन है? आज चारों तरफ उसी की बात हो रही है। एक जमाने में वो गुंडा हुआ करता था। एमएलए को मारने की कोशिश के इल्जाम में वो सजा काट रहा था। उसने जेल में रहकर देश की तरक्की की बहुत बड़ी लिस्ट बनाई और उसकी लिस्ट की वजह से सरकार गिर गई। उसने देश की तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उससे नौजवानों और पब्लिक में उसकी इमेज काफी बढ़ गई। आज देश के कई नौजवान उसके साथ हैं। पिछले इलेक्शन में नौजवानों के सहयोग से वह एमएलए बन गया, ये देखकर बाकी सब नेता काफी परेशान हैं। ऐसा है क्या? आहा, हमने उस दिन पार्टी ऑफिस में जो चिंगारी लगाई थी आज हम लोगों को ही जलाएगा क्या? इसलिए कहता हूँ कि अपनी पार्टी के पोजीशन को स्ट्रांग रखना होगा। कैसे स्ट्रांग रखेंगे? इस इलेक्शन में किसी के पास मुट्ठी भर भी मेजोरिटी नहीं है और अपनी पार्टी की देवो सिटी खाली हो गया, तो क्या स्ट्रांग रखेंगे? पार्टी के लिए क्या करोगे? कुछ भी। इस इलेक्शन में अपने पास जितने भी एमएलए हैं सबको मिलाकर अपनी पार्टी को बिल्कुल स्ट्रांग करके रखना है। आज के एमएलए इतने बेवकूफ नहीं है, एक एक के एमएलए 1-2 करोड़ से कम नहीं मांगता। ये रेट तो बहुत ज्यादा है। कुछ भी हो, पिछली बार जो इलेक्शन में जीत कर तुमने पैसे अंदर किए हैं वो बाहर निकालो, और कैसे भी रातों रात हमें ऐसा करना होगा कि सत्ता हमारे हाथों में होनी चाहिए। इस तरह चिल्ला कर तो उसे गुंडे से एमएलए बना दिया है, अब और क्या चाहते हो? तुम लोगों में से अभी कोई भी आवाज करेगा तो मैं उसकी जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अभी राणा सर सेंट्रल जेल से बाहर निकलने वाले, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझसे बड़ी बूझ पड़ा रहा है, पूरी निकाल दूंगा। चल यहाँ से निकल। अगर किसी ने भी मस्ती की तो उसके पैर तोड़ दूंगा, समझे तुम? सर इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, आप बेवजह क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे जब वो जेल जा रहा था तब मैं विलेन पार्टी में था, अब जब वो जेल से बाहर आ रहा है तो मैं हीरो पार्टी में हूँ, ऐसा उसको पता चलना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा बिल्डअप दे रहा हूँ। तू जा यहाँ से। मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, क्या सुपरिटेंडेंट साहब को फोन कर दिया, गेस्ट हाउस चेक कर लिया, जीप से पेट्रोल निकाल लिया? याद आया नयन, कुत्तों को मारना तो भूल ही गया। नौजवानों का साथी राणा, रुको, हटिए। सर को ये फूल माला हार ये सब पसंद नहीं है, आप लोग दूर हटिए। नमस्ते सर, मैं आपको याद हूँ ना सर, मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं आपकी तरफ हो गया हूँ, आपको मेरा फुल सपोर्ट है सर। सर सर लगा रखा है, सर को ये अखबार वाले मीडिया वाले पसंद नहीं है, जाइए आप लोग, साइड हटिए आप लोग, चलिए साइड हटिए। अच्छा मैं साइड हो जाऊँ सर? ठीक है सर, मैं साइड में हो जाता हूँ सर। ओके सर। सॉरी सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जेल जाने से पहले क्या थे और जेल से आने के बाद क्या बनकर आए हैं? जब आप देवस्थान में थे तो वहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अगर उस हादसे की इंक्वायरी बिठाई गई तो आप और आपके साथी वापस जेल जा सकते हैं। जेल जाने से पहले गुंडे थे और आज आप जब जेल से बाहर आए हैं तो बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीतकर एमएलए बन गए हैं, ये प्रजातंत्र की हार है या गुंडागर्दी की जीत है? देखिए जो कुछ भी हुआ उन सभी गलतियों को मैं स्वीकार करता हूं और अब उन गलतियों को सुधारना ही मेरा लक्ष्य है, और इसके लिए मैं हिंसा के रास्ते पे चलूंगा। यही फर्क, देखिएगा कल के राणा में और आज के राणा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप जेल में थे आपने देश की तरक्की के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए थे जिस वजह से आप नौजवानों के बीच हीरो बन गए और पब्लिक में आपकी इमेज बढ़ गई। जब मैं देवस्थान में था तब वहां के मंदिर में एक चोरी हुई थी और उस मंदिर की जमीन को कुछ नेताओं ने हड़प कर लिया है। सबसे पहले उस गलती को सुधारना ही मेरा पहला काम है और उसके बाद ही आगे का भविष्य प्लान बनाऊंगा। नमस्ते मैडम, मैंने बहुत कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है, यहाँ तक कि मैंने बाथरूम भी चेक किया है। इतना बड़ा लीडर मैंने पहली बार देखा है, क्या लीडर है आप। मैडम मेरा वो प्रमोशन, सॉरी मैडम।
ये प्रोग्राम लिस्ट है, आप इसे देख लीजिए। दुर्गा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप अगर बाहर जाएंगे तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, आपकी सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे सिक्योरिटी क्यों चाहिए? मैं कोई पीएम या सीएम तो नहीं हूँ, एक साधारण एमएलए हूँ। आपको ये सिक्योरिटी आपके पद के लिए नहीं बल्कि आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी इमेज के लिए दी जा रही है, आपके दुश्मनों से आपको बचाने के लिए। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा अतीत ही मेरा दुश्मन है और मेरी सोच मेरी दुश्मन है। कैसे हो राणा? नो सेंटिमेंट्स, अभी क्या करना है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, कल क्या हुआ मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। कल जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकती, सॉरी। दुर्गा, 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 दुर्गा। ए दुर्गा, भाग मत, भाग मत, भाग मत बोला ना। अरे दुर्गा रुक, रुको। भाई, दुर्गा के यहाँ आने से हमारे घर की रौनक और भी बढ़ गई है। ये सब छोड़ो, तुम्हारा समाचार कैसा है? कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए जीजाजी ज्यादा उछल रहे हैं, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। लगता है मुझे उनसे बात करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं उनसे बात करूं क्या? नहीं भाई, क्यों उनसे इस बारे में बात करके अपना अपमान करवाना चाहते हैं? मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा, रहने दीजिए। धर्म कथा, जब तुम मुझे भगा कर लाए थे तब तुमने कहा था कि तुम मंदिर के झंडे पर मेरा नाम लिख दोगे और मंदिर के कलश पर मेरी बड़ी बहन का नाम लिख दोगे और तालाब की सीढ़ियों पर मेरी छोटी बहन का नाम लिख दोगे, लेकिन तुमने जो भी कहा था वो सब हवा में उड़ गया और मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ इंतजार ही कर रही हूँ। आराम, मैं सिर्फ नाम के धर्मकथा की कीप हूँ और लोगों के लिए चीप हूँ। यह क्या बात हुई, खुशबू के लिए उसके पति ने मंदिर बनवाया था, मैं भी तुम्हारे लिए मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर का धर्मकर्ता मैं ही रहूंगा। पिताजी। कौन है? माँ ने आपको मंदिर में बुलाया है पूजा करने के लिए। ए, क्या रे, इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हो तुम? ये जगह मेरी है, छोटी माँ बड़ी माँ ने पिताजी को बुलाया है ऐसा बोल। पिताजी, माँ ने आपको बुलाया है। अरे ये क्या, एक ही बात रटे जा रहा है, तुम्हारी बीवी ने इसे क्या खिलाकर पाला है? ए! अरे बाप रे, इसने इस गमले को नहीं मारा है, इसने मुझे मारा है। वो तो तुम हो इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया, वरना अगर तुम नहीं होते तो ये तो मुझे काट कर तालाब में फेंक देता। आपका इंतजार कर रही है, आप जल्दी चले जाइए। ए, मैं यहाँ से नहा कर आऊंगा, वो मंदिर आ जाए, ऐसा जाकर अपनी माँ से बोल जाओ। ए, कहाँ जा रहे हो? उधर जाकर राम बनते हो और इधर आकर कृष्ण बनते हो, मेरे साथ मजे करते हो और उसके साथ पूजा करते हो, मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हो और उसके ऊपर चंदन छिड़कते हो। कुछ भी हो जाए मुझे पहला स्थान चाहिए और दुनिया में तुम्हारे बीवी से ज्यादा मेरी इज्जत करनी चाहिए, समझे तुम? इसलिए तुम सबके सामने ये कबूल करोगे, नहीं तो बेंगलोर के बशीर भाई के बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं, तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। रुक जाओ, तुम उधर मत जाओ। क्यों, क्या बात है? तुम सिर्फ कहने के लिए धर्मकर्ता की पत्नी हो और धर्मकर्ता असली इज्जत किसको दे रहा है, उधर देखो। ये जो मंदिर का कलश। छे, जब देखो मंदिर की बातें करते रहते हो, कभी अपने बारे में भी बातें कर लिया करो। तुमको पता चला क्या? तुमको तो एक और बात पता नहीं होगी, आज से ये जो आदमी है वो मेरा परमानेंट पति है। अरे पागल, तुमने ये क्या किया, ये कलश क्यों गिरा दिया? अरे धर्मकथा, ये देख तेरी बीवी इसको सामने रखकर इसे क्या काम करवा रही है, ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। तुम इसे ठीक से संभाल नहीं पाए इसलिए ऐसा कर रहा है, देखा ना इसका तमाशा। अरे इधर आ रे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए आज ये फैसला होकर रहेगा कि मैं ही हूँ इसकी पहली बीवी। दूसरी बीवी कहकर अगर किसी ने मुझे बुलाया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ये धर्मकथा की जो पगड़ी है वो सिर मेरे ही सर पर होनी चाहिए, अभी यही इसी वक्त तुम मेरे गले में ये मंगलसूत्र बांधोगे